नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की, और इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और इन ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे इसके ऊपर बनाना था। लेकिन बहुत सारे इसमें क्वेरी आई कि सर क्या मंडे को इस शेयर में गिरावट होगी, क्या ये शेयर वापस से एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा या एक बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक या एक बहुत मजबूती के साथ जाएगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करूंगा दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर मुझे शेयर के रिजल्ट Q3 के मुझे कैसे लगे, क्या उसमें कहना चाहिए कुछ कमी थी, और मंडे को किस तरह के रिएक्ट ये शेयर दे सकता है, इन तमाम बातों में चर्चा होगी दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, रिजल्ट पे ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए मंडे की हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 1.67% की तेजी है दोस्तों, ये 1.67% की आप कह सकते हैं कि भयंकर सी तेजी दिखा रहा है शेयर। और आप ये जो तेजी है दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिएगा मैं इसे थोड़ा ठीक कर दूं। हाँ, और ये जो तेजी है दोस्तों, ये कहना चाहिए एक कंसोलिडेशन के हिसाब से आई, यानी वो ये बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट अच्छे थे, प्लस जो रिजल्ट का Q3 के रिजल्ट का मुझे लगता है इनको हल्का सा मार्केट को अंदाजा अब हो गया था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि गिरावट तो हुई लेकिन उसके बाद एक सीवियर गिरावट इसमें नहीं आई दोस्तों, क्योंकि देखना चाह रहा था या निवेशक देखना चाह रहे थे या बाजार देखना चाह रहा था कैसे इसके Q3 के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, फ्रेंकली बताएं, मंडे को ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूं, रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक करेक्ट हो गया रहता है ना, अगर स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो गया रहता है तो उसमें कहना चाहिए बाउंस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, चाहे रिजल्ट थोड़े खराब भी क्यों ना आए। आपके लिए एग्जाम्पल कहाँ है, लॉरस लैब है, तो ये कैटेगरी साफ करता है। यूएसए में गजब का बाउंस बैक आया है दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, मैं मारता हूँ मानता हूँ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट में 400 पॉइंट ऊपर रहा है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव चीज है कहना चाहिए इसके लिए कि अब भाई IT में उतना दबाव नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो Q3 के रिजल्ट है दोस्तों, ये मैं कहूंगा अच्छे रिजल्ट आए, कोई बहुत बड़ा ना सरप्राइज दिया है ना कोई निगेटिव आई है, कॉन्स्टेंट कंपाउंडर की तरह अपने इसने सेल्स बढ़ाए हैं, मार्जिन को इन्होंने दोस्तों अपना कहना चाहिए कंटेन करके रखा है, गिराया नहीं है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। और इसी सब के कारण मुझे लगता है तीनों को मिला के कि शायद शायद एक अच्छा आपको बाउंस देखने को ये शेयर मिल सकता है। लेकिन हाँ, देखना ये होगा कहीं गलती से ये बाउंस करे और सारी जो तेजी है वो दोपहर होते होते दोस्तों गायब ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह के अभी बाजार दिख रहे हैं और FIIs जिस तरह की सेलिंग की स्प्री में है, हर दिन 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में दोस्तों, ये एक वाकई चिंता का विषय है पूरे के पूरे भारतीय बाजारों के लिए। और बजट से पहले ऐसा होना मुझे लग रहा है ये एक दबाव बनाने की कोशिश है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। तो इन सब चीजों को देखते हुए, कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा इसको पहले रिजल्ट पे थोड़ा एनालाइज कराता हूं। आप इधर देखें, दैट IT फर्म है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 16.1% जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू ₹48.92 करोड़, ठीक है, फॉर डिसंबर 21 क्वार्टर। द कंपनी हैड पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹42.15 करोड़ इन ईयर अगो पीरियड, यानी पिछले साल ही समय 42 करोड़ था, वो बढ़ के दोस्तों नेट प्रॉफिट 16.1% जंप पे 48.92 करोड़ हो गया है। नाउ इट्स रेवेन्यू ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर 2021 ग्रू 47.2% टू ₹283.94 करोड़ एज कंपेयर्ड विद द ₹192.84 करोड़ ईयर अगो पीरियड। ये भाई कहा है कि रिकॉर्डिंग फाइल में कहा गया है। नाउ वेंकट रमन एंड MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजी सेड द कंपनी कंटिन्यूज टू डिलीवर ऑल अराउंड हेल्दी फाइनेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस। और वाकई में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये कंपनी।
ये समझिए कि कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है कि भाई कोई बहुत तेजी आ गई, नहीं, जो कहते हैं ना दोस्तों कांस्टेंट कंपाउंडर, वो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो इस रिजल्ट में अच्छी हुई है, मार्जिन्स अपने इन्होंने बहुत ही सलीके से दोस्तों जैसे के तैसे बचा के रखे हैं, और ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। मंडे को इस शेयर मुझे लगता है तेजी के चांसेस ज्यादा हैं बशर्ते गिरावट के। देखिए बाजार में मैं हमेशा कहता हूँ जिस तरह की पोजीशन रहती है उस तरह ही काम होगा। अगर बाजार में अगर मंदी की पोजीशन रही होगी तो शेयर में गिरावट होगी, लेकिन चांसेस मुझे तेजी के ज्यादा लगते हैं। ठीक है, आप आगे देखें, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 47.2%, एबिटा 46.1%, 26.1%, और रोबस्ट कैश जनरेशन एंड हेल्दी कैपिटल रिटर्न रेशियोज आर टेस्टिमोनियल टू दिस। आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर में 47.2% की है, इबीटा में 26% ज्यादा का उछाल है, कैश बहुत तगड़े से जनरेट हुआ है। नाउ कपल्ड विद ऑनबोर्डिंग टैलेंट एंड हेल्दी यूटिलाइजेशन लेवल्स, वी आर वेल पोजिशन टू एड्रेस स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरमेंट फॉर डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं डिजिटल सर्विस को जो भी डिलीवर करने के लिए टैलेंट चाहिए रहता है हमारे पास है, और हम आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से हम कहना चाहिए फेस करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से अपने क्लाइंट को सर्व करेंगे, इनका ये मानना है। ठीक है, और आप देखें, अगर मैं आपको स्क्रीनर्स में एक चीज दिखाऊं, आप देखिए जरा से, आप देखिए ये इसके रिजल्ट हैं, इनके मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार बिल्कुल भी डेंट नहीं किए, 23% की उछाल हुई है, और ये देखिए ये पिछले क्वार्टर से काफी ज्यादा अच्छे हैं। मानता हूं मैं कि दिसंबर, पिछले साल दिसंबर क्वार्टर से ये काफी बड़ा डेंट है, बल्कि 5% के आसपास, 4%, 5% के आसपास की, लेकिन देखिए ये बात सही है कि इन्होंने 4-5% की जो आपको डिफरेंस दिख रही होगी, ये गिरावट दिख रही है इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ये अपने जो मार्जिन है उसको बचा के रखे हैं, और ये काफी मैं कहूंगा अच्छी चीज है। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 1 करोड़ बढ़ा है दोस्तों, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ठीक है, ईपीएस में भी हल्का फुल्का बढ़ाता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इन्होंने कोई फिनोमिनल रिजल्ट पेश नहीं कर दिया है। हाँ, इन्होंने एक नॉर्मल सा कॉन्स्टेंट कंपाउंडर के समान, प्लस कंपनी की गाइडेंस भी काफी अच्छी रही है, इन सब चीजों को देखते हुए काफी अच्छा आप कह सकते हैं एक एक अच्छा रिजल्ट, एक कॉन्स्टेंट कंपाउंडर रिजल्ट, जिसमें ना कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजेस है और ना ही डिसअपॉइंटमेंट है। एक कहना चाहिए एक एवरेज रिटर्न इन्होंने, एक एवरेज रिजल्ट इन्होंने पेश किया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और मैं इसमें तेजी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपरी स्तरों में दोस्तों बहुत अच्छा इसमें गिरावट हो चुकी है, और आप देखिए करंट मार्केट प्राइस अगर आप इसे देखेंगे 1143 है, जो कि एक काफी अच्छा आप कह सकते हैं ये प्लेस है। आप इधर देखें 1143 यानी पिवट पॉइंट्स को भी अभी इसने नहीं तोड़ा दोस्तों, 113 जो इसका पिवट पॉइंट, ये 1143 में भी ट्रेड कर रहा है, और इसके बाद क्या होगा दोस्तों अगर ये गिरता है तो 1130 के बाद, तो देखिए पहला सपोर्ट है 1081। ठीक है, 1081 जो है वो पहला सपोर्ट लगता है मुझे अगर टूटता है इसका पिवट पॉइंट तो, उसके बाद 1022, और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सपोर्ट है, और ये मैं कहूंगा ये टूटेगा ही नहीं टूटेगा, मतलब ये मोस्ट अनलाइकली इवेंट होगा अगर ये 975 को तोड़ेगा दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, गाइडेंस भी अच्छी है। हाँ, अगर बजट के बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट हो, आई मीन ह्यूमंगस गिरावट हो, तो मैं नहीं कहता कि गिरावट नहीं होगी, ये नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ बहुत कम चांसेस है इस शेयर के इन लेवल को तोड़ने के। ठीक है, आप आगे देखें जो क्लासिक फिबोनाची में है वो 1022 है, मुझे लगता है 1000 से लेकर के दोस्तों 1030 तक ये वो लेवल्स है जो ये शेयर नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और इसे भी तोड़ना बहुत ज्यादा इसके लिए टफ है, पहला क्योंकि 1000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और ये इसे नहीं टूटने वाला। ठीक है, ऊपरी स्तर में बात करें तो भाई सबसे पहले तो आप मान के चलिए 1200 रुपए, ठीक है, तो अगर ये तोड़ करके क्लोजिंग में से बंद होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नई एक स्ट्रेंथ, एक कहना चाहिए मजबूती शेयर में दिखाई देगी। तो क्या मंडे को गिरावट होगी? मुझे ऐसा लगता है चांसेस काफी कम है, रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, एक ठीक ठाक सा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज ये है इनके मार्जिन इन्होंने बचा के रखे हैं, ठीक है, पिछले क्वार्टर से, तो इन सबको देखते हुए मंडे को मुझे लगता है एक तेजी के आसार हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक जुड़े हुए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पाने के लिए,
और दोस्तों देखिए, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाह सलाह जरूर लें, क्योंकि जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ ये मेरी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो मैं खुद करता हूँ या खुद पढ़ने से मुझे लगता है कि ये सही है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ। आप कोई भी पोजीशन बनाए अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेके, या खुद रिसर्च करें कोई पोजीशन बनाने से पहले। यहाँ तक जुड़े रहेंगे, धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।